चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर है जो कि पोयम है द ट्रीज। ये फर्स्ट फ्लाइट बुक है आप लोगों का इंग्लिश में, उससे ये पोयम ली गई है द ट्रीज। इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों का नाम से पता चल रहा है, दो पोएम का जो हेडिंग है द ट्री मतलब पेड़, बहुत सारे पेड़ देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। तो हम लोग आज पेड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ले जो कवि होते हैं या कवित्री होते हैं, वो किसी चीज को जितना सुनने में दिखने में सरल लगता है, उतना वो सरल होता नहीं है। उनका लिखने का जो व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, उसका बहुत बड़ा आउटकम निकलता है। तो चलिए इस पोयम हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस पोयम को हम लोग जैसा देख रहे हैं, द ट्रीज लिखने वाली हैं एंड्रीन रिच, एक कवित्री हैं, मीन्स फीमेल है। नाम से इंग्लिश नामों से पता नहीं चलता है कि ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ आपको। ये क्लास 10th का, इसके समरी हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ने वाले हैं। चलिए, जैसा कि हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ समझ लें पहले, उसके बाद हम लोग इसमें स्टैंजर्स में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्री समरी, जो कि एंड्रीनी रिच के द्वारा लिखी गई है ये पोयम। और वो जो है ऑलरेडी ब्लैटीमोर यूएसए में जन्म ली है जो ये कवित्री है। शी वॉज अ फेमस पोएट, एसेसिस्ट एंड फेमिनिस्ट। शी हैज रिटन दिस पोएम द ट्रीज। दिस पोएम प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। द पोएटेस सजेस्ट हियर दैट द ट्रीज एंड प्लांट्स यूज इन इंटीरियर डेकोरेशन इन सिटीज आर एज इम्प्रिजेंट। अब ये कवित्री हमें ये बताना चाह रही है इस पोएम के माध्यम से कि किस प्रकार आज जो है हम और आप आर्टिफिशियल पेड़ों को रखने के लिए मजबूर हैं घरों में। आज हम तरह तरह के आर्टिफिशियल फूल पेड़ पौधे अपने घर के अंदर घर के बाहर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब वो जमीन नहीं है, हमारे पास वो लैंड नहीं है जिसमें हम एक्चुअल पेड़ लगा सके, वो ओरिजिनल पेड़ पौधा लगा सके, रियल पेड़ पौधा लगा सके। तो हम लोग डेकोरेटेड पेड़ पौधे लगा रहे हैं सिटीज में। दिस ट्रीज वांट टू मूव आउट, लेकिन ये डेकोरेटेड फूल पौधे पेड़ जो हैं, ये चाहते हैं घर में रहना नहीं चाह रहे हैं, ये जंगल की ओर जाना चाहते हैं, जबकि जंगल बिल्कुल खाली पड़ा है। आज हम लोग घरों में आर्टिफिशियल पेड़ पौधे लगा रहे हैं और जंगल जो है खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ का मतलब है कि सारे जंगलों को हमने काट कर खत्म कर दिया है। तो दिन पर दिन जो है पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। द पोएटस सेज दैट एवरीथिंग हैज अ डीप डिजायर फॉर फ्रीडम। बोला था सभी का डीप डिजायर है फ्रीडम के लिए, सभी को आजादी की प्राथमिकता चाहिए, आजादी सभी को पसंद है। इट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड वेलबींग, और एक सही रूप से एक अच्छे इंसान बनने के लिए, एक अच्छा विचार उत्पन्न होने के लिए आजादी सभी को जरूरत है। वी मस्ट फॉलो द नेचर ऑफ द लॉज, और हम लोग के पति की प्रकृति के कानून को मानना होगा। प्रकृति भी हमें कहती है कि आजादी सभी को चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, यही है एंड्रीनी रिच, जो कि एक अमेरिकन फॉरमोस्ट पब्लिक इंटेलेक्चुअल की है, बहुत ही फेमस रही है ये। और इनके सारे राइटिंग जो है चेंज ऑफ वर्ल्ड 1951 में इन्होंने लिखा है। ज्यादातर स्टोरीज इनकी फीमेल के ऊपर रहती थी, उनके आजादी के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, उनको उनकी फ्रीडम को लेकर इन्होंने बहुत से स्टोरीज लिखा है और बहुत से पोएम्स भी इन्होंने लिखे हैं। और इनका बहुत बार इनको अच्छे अच्छे ये प्राइजेस भी मिल चुके हैं। तो हम लोग इनके बारे में जान चुके हैं और समझ चुके हैं। ये एक तरह से वुमेन, औरतों की आजादी को लेकर ये बहुत ही सेंसिटिव रह चुकी हैं। और इन्होंने बहुत से अपने राइटिंग के थ्रू ये चीज साबित किया है कि आज के समाज में, इस प्रेजेंट एज में, फीमेल को भी उतनी आजादी देनी चाहिए जितना कि मेंस को आजादी दी गई है। चलिए तो हम लोग अब
आगे बढ़ते हैं पोयम में. दिस पोयम तो हम लोग पढ़ लिए पोएटिस के बारे में, कवित्री के बारे में जान लिए, जानना जरूरी होता है. दिस पोयम इज अ वॉइस विथ अ बॉडी एंगेज्ड इन द एक्टिविटीज एंड सेंसेशन इंटरक्शन विच आर नॉट ऑर्गेनिक, जो कि ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं होते हैं. ऑर्गेनिक नहीं होने का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक नहीं होने का मतलब क्या है? टू द कन्वेंशन ऑफ ए नेटिव पोयम. दिस पोयम इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द अनसुटेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ ए ग्रीन हाउस और कंटेनर ऑफ द नेचर. सी नोज दैट वंस द ट्रीज मूव टू द फॉरेस्ट एरिया द हाउस विल बी कंप्लीट साइलेंस. और वो जान रहे हैं कि यदि ये ट्रीज जो है, जो घरों में है पेड़, आर्टिफिशियल पेड़, ये जिस दिन फॉरेस्ट की ओर निकल गए तो घर जो है साइलेंस हो जाएगा, कंप्लीट साइलेंस हो जाएगा घर. चलिए अब हम लोग स्टेंजा बाई स्टेंजा, ये फर्स्ट स्टेंजा का यो तो पहले पोएम्स के बारे में था, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया. अब जो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे ओवरऑल है स्टेंजा, इसमें जो दिए हुए हैं पोएम में लाइन बाय लाइन, पंक्तियों बाय पंक्तियों मैं आपको डिस्कस करूंगा. इस पोएम में सबसे पहले ये आई जो वर्ड आया, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आंसर आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आई जो है किसके लिए रिफर्ड किया गया है. तो आप लोग बोल सकते हैं स्पीकर ऑफ द पोएम, मतलब कि इस पोएम को बोलने वाली के लिए. तो पोएम को बोलने वाली कौन थी? एंड्रीनी रिच, जो इसकी रचयिता है, कवित्री है. पोएम द ट्रीज इज अ वॉइस विद अ बॉडी एंगेज इन एक्टिविटीज एंड सेंसरी इंस्ट्रक्शन दैट आर नॉट ऑर्गेनिक टू द कन्वेंशन ऑफ द नेचर पोएम. दिस इज एक्चुअली द अननेचुरल पोएम. ये नेचुरल पोएम ने अननेचुरल पोएम है, जो कि एक स्ट्रगल बताता है पॉपुलेशन ऑफ ट्री टू स्केप द कन्फाइंड सराउंडिंग ऑफ द ग्रीन हाउस. जो घर पे जो पेड़ हैं वो वहां पर अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पेड़, उनको धूप चाहिए, उनके जड़ जो है मिट्टी में चाहिए. तो वो उनके जड़े धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, उनका पत्ता, उनकी टहनियां जंगल की ओर निकलना चाह रही हैं, वो इसमें कैद में नहीं रहना चाह रही हैं. ये टोटल इस पोएम में बताया जा रहा है. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ट्रीज का कंपेयर किससे किया गया है, आखिरकार ट्रीज है कौन? तो यहाँ देखिए इनडायरेक्टली जो है ये ट्रीज को जोड़ा गया है मैन और ह्यूमन बींग बोल सकते हैं, चाहे वुमन से बोल सकते हैं, फीमेल कैरेक्टर से बोल सकते हैं. उनको घरों में कैद रखा गया है, बॉन्डेशन के दायरे में रखा गया है, उनको कोई भी छूट हमारे समाज में नहीं प्राप्त था महिलाओं को, उससे जुड़ी हुई इनके पोएम्स को इन्होंने जोड़ा है कॉन्फ्लिक्ट के. बताया है कि जो पौधे जिस प्रकार जंगल में शोभा देते हैं उनको आप घरों में नहीं रख सकते हैं, घरों में रखने से क्या होगा, आर्टिफिशियल पेड़ों को आप घर में सुंदर दिखने के लिए तो रख सकते हैं, लेकिन वो पेड़ पौधे एक्चुअली वो पेड़ पौधे नहीं होंगे. दिखने में तो एक्चुअल पेड़ पौधे लगेंगे, लेकिन उनका जो रियलिटी है, जो उनका ये भी ऐसी बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल आर्टिफिशियल है. जस्ट लाइक देखिए कि उनकी वास्तविकता, जो पेड़ जो हम लोग घर में लगाए हुए हैं, गमले में लगाए हुए हैं, एक पेड़ जो ऑलरेडी जंगल में है, फॉरेस्ट में है, दोनों में बिल्कुल ही डिफरेंस है. जो वहां वो आजादी प्राप्त कर रहा है वो आजादी से यहां नहीं मिल पा रहा है. The poetess is a witness of the trees exhort but making distance herself from the participating in the making of something out of the spectacles. She has sit and to write. और वो बोल रही हैं कि इसके बारे में वो बैठ कर लिख रही हैं, जो आजादी छीनी गई है आज के समय में. प्रेजेंट समाज ने अभी आज के समाज ने जो आजादी छीनी है उसी चीज के बारे में. चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा कर बढ़ते हैं. Even though the speaker, the audience, her own head is full of whispers and she is an audience as well. वो बोलती है कि मैं भी एक audience ही हूँ, मैं भी तो सुन ही रही हूँ, सभी चीज को देख रही हूँ, मैं इसके लिए खुद एक, मैं इससे पीड़ित हूँ, मैं भी इस चीज को देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये भी एक फीमेल ही है. We, however, the audience of the poem are compiled with the command. The speaker reaches across the barrier between the poem and the audience, the transaction that occurs on the page and says for listening. और बोलती हैं कि आज का समय जो है सिर्फ हम लोग सुन रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये समझने के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जो आजादी है, ये जो चीजें हैं, इसके लिए हम लोगों को फाइट करना होगा आगे बढ़ने के लिए, और ये चीजें हमें खुद से खुद जनरेट करना होगा.
अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेंजा में, पोएटिस्ट आर्टिकुलेट्स हर कंसियसनेस ऑफ मेनी लेवल्स ऑफ इनर एंड आउटर ऑफ द ब्लरिंग ऑफ द बाउंड्रीज बिटवीन देम। जो बाउंड्रीज लगाए गए हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, जो बाउंड्रीज सोसाइटी ने, जो बाउंड्रीज फैमिली मेंबर्स ने जो बनाए हैं फीमेल्स के लिए, उसको कंपेयर किया गया है वो आर्टिफिशियल पेड़ से। आजकल की जो है, पहले जमाने में जो होता था वो जस्ट लाइक एक शोभा की वस्तु माना गया था, फीमेल्स को शोभा के लिए घर में एक वस्तु माना गया था, लेकिन अब वो बातें चेंज हो चुका है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे फीमेल जो है, हमारी महिलाएं हैं, हमारे जो माता बहने हैं, वो सारी जो हैं आज देख रहे हैं कि घर से बाहर निकल के ओलंपिक खेल रही हैं, ओलंपिक में मेडल्स जीत रही हैं और ला रही हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल पेड़ का जो कंपेयर है, एक्चुअली वो कंपेयर वो एक्चुअली पेड़ के बारे में इतना इजिली बताने के लिए पोएट्रेस यहाँ नहीं बैठी है, वो एक समाज को, एक सोसाइटी को एक वो एग्जाम्पल के तौर में बताना चाह रही है, एक देना चाह रही है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार आर्टिफिशियल पेड़ जो घरों के अंदर हैं, वो पेड़ों के पत्तियां टहनियां जो है निकलना चाह रही हैं, धूप में जाना चाह रही हैं, जंगल की ओर जाना चाह रही हैं, एक्चुअल उनको शुद्ध हवा पाने की जरूरत है, अदरवाइज वो एक शोभा की वस्तु ही बन के रह जाएंगी। दीज रूट्स वर्क ऑल नाइट, बोलते हैं कि ये जो रूट्स हैं, इनकी जो जड़ें हैं, रात भर जग के काम करती हैं, बिकॉज कि ये क्रैक्स ऑफ द फ्लोर इन द वेरेंडा, ये क्रैक्स वेरेंडा में जो क्रैक है, उस क्रैक के माध्यम से ये चाह रहे हैं घर से बाहर निकल जाएं। द लीव्स आर मेकिंग अ फोर्स टू मूव टुवर्ड्स द ग्लास, और जो पत्ते हैं उस पेड़ों के, वो ग्लास, वो शीशे के ग्लासेस से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्लासेस को पार करके हम बाहर निकल जाएं। एन ओपन डोर इज फॉर द नाइट एंड होल मून एंड द स्काई इज अवेलेबल टू द स्पीकर, और पूरा खुला आसमान इसके लिए स्पीकर के लिए मिले। अंदर बाउंडेशन में ना रहे, और बाउंडेशन में ना रहने का मतलब है कि वो किस प्रकार से अपना जो है वो इस सोसाइटी में आसमान में लिखना चाह रही है। बाउंडेशन चार दीवारी के अंदर वो लिखना नहीं चाह रही अपनी राइटिंग को, वो चाहती कि स्काई हो, खुला आसमान हो, चंद्रमा हो, और उसके आंगन में, उसके प्रांगण में बैठ के अपनी कविता लिखे। This tree at the same time through the door a smell of the leaves, और जिस बैग इन, और वो चाह रही है कि पेड़ों के जो वास्तविक जो गंध है, वास्तविक जो महक है पेड़ों का, वो उन तक पहुंचे, जो बाहर से जो उनके जो वास्तविक पेड़ है उनके महक को ये फील करना चाह रही है, महसूस करना चाह रही है। द स्पीकर हेड इज अनदर इंटीरियर एंड इम्प्लिसिटली इंटर बाय द विस्पर, ये सारी चीजें जो है ये महसूस कर रही है। लास्ट स्टेंजा है द पोएट पोएटेस इज Spacely integrated by the image of the trees smelly to newly discharged patient, और वो बोलती है कि जो ट्रीज जो है बिल्कुल जिसको बाहर जब निकलने की कोशिश करता था, बिल्कुल एक डिस्चार्ज पेशेंट के जैसा, एक मरीज कैसा महसूस करता है कि चलो हम किसी तरह एक जेल से बाहर निकल के आ रहे हैं, एक स्वस्थ होकर आ रहे हैं। द पोएट इज मेकिंग अ कंपैरिजन टू द लॉन्ग क्रैम्प्ड ब्रांचेज विच आर सफलिंग अंडर द रूफ विद द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट ऑफ फ्रॉम द हॉस्पिटल, और ये जो जो टहनियां जो सिकुड़ती चली जा रही हैं, जो बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, उसकी तुलना ये कर रही हैं किनसे, एक न्यूली पेशेंट हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल डोर्स आफ्टर देयर लॉन्ग इलनेस, मानो कि वो हॉस्पिटल डोर्स की ओर बढ़ रही हैं बहुत लंबी बीमारी के बाद। द ब्रांचेज है क्रैम्ड अंडर द गैप्स विद द रूफ, और उन्होंने क्रैम्ड मतलब कि रूफ के अंदर जो जगह था उससे ये निकलने की कोशिश इन्होंने किया है। देयरफॉर दे वांट टू गेट आउट इन द ओपन टू स्प्रेड देमसेल्व्स इन द फ्रेश एयर, वो चाहती है कि वो बाहर निकल जाए और खुले हवा में वो सांस ले। तो ये कुल मिला के ये पोयम तुलना की गई है किस प्रकार से औरतों को, महिलाओं को एक बाउंडेशन में, एक दायरे में रखा जाता था, और अभी भी बहुत से जगह पर रखा जाता है, वो खुली हवा में सांस भी अच्छी तरह से नहीं ले पाती हैं। तो कवित्री का कहना है, पोएट्रेस का यही कहना है एंड्रयू का, कि हम इस चीज को दूर करें और एक खुले आसमान में सांस ले सकें, और खुले आसमान के नीचे बैठ के मैं अपनी कविता लिख सकूं। ये प्रेजेंट सोसाइटी के थिंकिंग को, उनके बिहेवियर को दर्शाता है ये पोयम। ये पोयम का जो एक तरह से आप बोल सकते हैं
कंक्लूजन पे हम लोग जाएंगे, कंक्लूजन इस पोएम का हम लोग जाएंगे, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखिए ट्री इज अ शॉर्ट सिंबॉलिक पोएम, सिंबल है ट्री जो एक सिंबल के रूप में लिया गया है इस पोएम में, लेकिन एक्चुअली ट्री क्या है, ट्री का पूछा कंपेयर किससे किया गया, तो फीमेल से, वुमेन से, महिला से कंपेयर किया गया है। एंड फॉर मूवमेंट ऑफ द ट्री दैट आर इनिशियली इंडोर्स बट सीकिंग टू एस्केप, वो ऑलरेडी ये पेड़ जो है इंडोर में है, घर के अंदर है और एस्केप करना चाहती है, इंतजार कर रही है कब ये बाहर निकलेगी और फ्रीडम में ये जंगल की ओर चली जाएंगी। मीन्स जंगल मतलब क्या है, जंगल फॉरेस्ट का मतलब क्या है, सोसाइटी, कब इनको समान हक मिलेगा अपनी जगह पर जाने का, सोसाइटी में रहने का, घूमने का, चलने का, अपने कदम से कदम मिलाकर मेल के साथ चलने का। द ट्रीज रिप्रेजेंट द नेचर एंड द वुमेनहुड इन द पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पर लिख दिया इस लाइन लास्ट लाइन में पूरा पोएम क्लियर हो गया। द ट्रीज जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, द नेचर एंड द वुमेनहुड, औरत की जात, औरत जात को, औरत की जाति को ये रिप्रेजेंट कर रही है, नेचर को किस प्रकार से इनको भी फ्रीडम घर के अंदर बिल्कुल इनको बाउंडेशन में ना रखा जाए और इनको भी वो फ्रीडम का मूवमेंट इनको प्राप्त हो ताकि ये भी आज खुले समाज में अपने जीवन को सभी के सामने दिखा सके। तो मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को ये पोएम पूरा बिल्कुल ही क्लियर आ गया होगा समझ में कि एक्चुअली ये पोएम द ट्रीज जो है ये आर्टिफिशियल पेड़, एक पेड़ों के बारे में जो घर के अंदर है, ये पेड़ एक्चुअली में है कौन, ये वुमेन है, पूरी औरत जाति के बारे में, पूरी फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में बातचीत की है, किस प्रकार से उनको दायरे के अंदर, घेरा के अंदर रखा जाता है, लेकिन वो चाहती हैं कि वो भी खुले आसमान में सांस ले। कि जो वो ये बात वही हो गई कि जिस प्रकार इनकी तुलना की गई है, वुमेन्स की तुलना की गई पेड़ों से, कि पेड़ों को खुले आसमान में, खुले आसमान के नीचे उनके जड़ों को जितना बढ़ने का मौका मिलेगा उतना घर के अंदर नहीं। यदि आप एक एक पेड़ घर के बाहर लगाते हैं, एक पेड़ घर के अंदर लगाते हैं, तो आप दोनों का इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि किस प्रकार से घर का बाहर का पेड़ जो है बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है और उसकी शाखाएं, उसके ब्रांचेस बहुत जल्दी फैल रहे हैं और बहुत जल्दी फल देने के लिए तैयार है चारों तरफ के उसका। क्यों? ड्यू टू व्हाट? क्योंकि उसको सारी फैसिलिटी मिली हुई है, वो डायरेक्ट सनलाइट को ले रहा है, फ्रेश एयर ले रहा है। लेकिन एक पेड़ जो घर के अंदर, वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला जा रहा है। ड्यू टू व्हाट? क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर फ्रेश एयर नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार से यही चीजों को कंपेयर किया गया है इस पोएम में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों को ये पोएम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप आसानी से इसके सारे फेस कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।